एक्टर विवेक अग्निहोत्री ने वो कर डाला जो इंडिया 32 इयर्स से नहीं कर पाया, या फिर यू कहें कि कुछ ऐसा कर डाला जो इंडिया करना ही नहीं चाहता था, सबके सामने लेकर ही नहीं आना चाहता था। द कश्मीर फाइल्स कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिस पर डायलॉग्स लिखे गए हैं। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे पूरी सच्चाई के साथ दिखाया गया है, इसलिए ये फिल्म कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं बनी है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो तैयार हैं ऐसी सच्ची कहानी देखने के लिए, जो पिछले कई सालों से कश्मीर की सुंदर पहाड़ियों के पीछे कहीं दबी पड़ी थी। एक्टर अनुपम खेर ने इस फिल्म से एक बार फिर दिखा दिया दैट ही इज सच अ वर्सटाइल एक्टर। पर क्या एक्टर का भी यही मानना है? वेल, मिस्टर अनुपम ने तो कहा कि वो इस फिल्म से लाखों कश्मीरी हिंदू की वॉइस और फेस बने हैं, जिनकी सच्चाई को काफी सालों से दबाकर और छुपाकर रखा गया था। विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्ट की जाने वाली इस फिल्म को जहां बहुत से लोग सामने आए इसे रोकने के लिए, तो वहीं आज रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और व्यूअर्स का एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के कुछ सीन्स दिल दहला देने वाले हैं, जहां छोटे बच्चों को भी टेरर का सामना करना पड़ता है, जहां किसी लेडी को अपनी फैमिली को बचाने के लिए ब्लडेड राइस भी खाने पड़ते हैं। किस तरह एक ब्यूटीफुल कश्मीर टेरर कश्मीर में ट्रांसफॉर्म होता है, इस सच्चाई को दिखाने में विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी पीछे नहीं हटे हैं। एक्टर दर्शन कुमार, जिन्होंने फिल्म में कृष्णा पंडित का रोल किया है, वो अपने ग्रैंडफादर की लास्ट विश को फुलफिल करने कश्मीर पहुंचते हैं और वहां से मूवी फ्लैशबैक में दिखनी स्टार्ट होती है। इस रियल स्टोरी को, एक्टर्स की टॉप नॉच एक्टिंग को देखने के बाद हम दी कश्मीर फाइल्स को रेट करेंगे 4.5 out of 5। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।